शिक्षा विभाग चंबा की ओर से 10वीं व जमा 2 की बोर्ड परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। इसके तहत जिला के तमाम परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे की तीसरी आंख का पहरा बिठाया गया है। ये जानकारी शिक्षा उपनिदेशक हायर चंबा प्यार सिंह चाधक ने दी। उन्होंने बताया कि जमा 2 की परीक्षाएं 10 मार्च और 10वीं की 11 मार्च से आरंभ होंगी। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए उड़नदस्तों का गठन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए उड़नदस्ते विभिन्न परीक्षा केंद्रों में औचक निरीक्षण करते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो कि बोर्ड की परीक्षाएं हैं, जो कि 10वीं और 12वीं की होनी है, निकट भविष्य में होने वाली हैं, और उसके लिए जो तिथियों के साथ साथ उसकी जो डेट शीट है वो भी निर्धारित हो गई है। और जो प्लस टू के एग्ज़ाम हैं वो 10 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जबकि जो मैट्रिक एग्ज़ाम हैं वो 11 मार्च से शुरू हो रहे हैं। तो उनकी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो तैयारियाँ वो हमने पूरी कर ली हैं चंबा ज़िले में। इसमें जहाँ जहाँ पर भी एग्जामिनेशन होने हैं 10वीं और 12वीं के बोर्ड कक्षाओं के, वो सारे सीसीटीवी की निगरानी में होंगे। और ये सख्त हिदायत जो वो सेंटर्स जो प्रिंसिपल्स हेडमास्टर उनको दे दी गई है, तो सभी स्कूलों में हमारे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये एग्जाम होंगे। सर लगभग जितने भी हमारे एग्जामिनेशन सेंटर हैं उन सभी में पिछले साल से ही या पिछले 2-3 सालों से इन सभी सेंटर्स में जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है हमारे पास, उसमें ये सीसीटीवी ऑलरेडी लगे हुए हैं। सर फ्लाइंग स्क्वाड का भी इसमें बड़ा महत्व रहता है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा। फ्लाइंग स्क्वाड का भी ये बोर्ड की डायरेक्शंस आती हैं, वो अभी 1-2 दिन में पहुंचने वाली हैं। उसमें जो उड़न दस्ते होते हैं उनको आइडेंटिटी कार्ड भी बोर्ड की ओर से दिया जाता है। तो उसके लिए जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है वो एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहती है जो कि डिप्टी डायरेक्टर की अध्यक्षता में रहती है। इसी तरह डिप्टेक्टर एलिमेंट्री वाले भी की भी अध्यक्षता में एक स्क्वाड बनेगा, और डिप्टेक्टर इंस्पेक्शन की अध्यक्षता में भी एक स्क्वाड बनेगा। और ये डिप्टेक्टर की अध्यक्षता वाला जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, वो डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जा सकता है। जबकि सब डिविजन लेवल पे भी एसडीएम्स को ये पावर्स रहती हैं कि सब डिविजन लेवल पे भी वो अपना फ्लाइंग स्क्वाड का गठन करते हैं, और उनकी जो फ्लाइंग है वो अपने सब डिविजन में रहती है। तो इसी तरह से ये जो है बोर्ड की जो काम जो बोर्ड की एग्जाम जो चलेंगे।